Hello people, so welcome back to my channel. This is Shobha Som and here I'm back with another video after a very long time. So I know y'all what time mark video aayi, but okay, aapke baad regular videos aayenge, I promise. I know I have been inactive for a very long time, but I promise pakka promise ab continuous videos aayengi. And this video is all about how I left Indigo and my life updates. Although I know you guys know that whether I have left Indigo or not, but still I wanted to announce this officially that yes, I have left Indigo. And other thing that we are going to discuss in this video is why I have left Indigo. तो हाँ, मैंने इंडिगो छोड़ दिया है, काफ़ी टाइम हो गया छोड़े हुए. एंड एक रीज़न, सिर्फ एक रीज़न जिसकी वजह से मैंने इंडिगो छोड़ा है, दैट इज़ डेस्टिनेशंस. लाइक वी ऑल नो कि दिस इंडिगो इज़ अ लो कॉस्ट कैरियर, दैट इज़ मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वैसे हमारी ये एयरलाइन है, उनका मेन मोटिव है जस्ट टू मेक पीपल फ्लाई. इतनी लग्जूरियस नहीं है, तो वो ज़्यादातर डोमेस्टिक ही फ्लाई करती है. एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट हो गया एंड दिस नेपाल, सिंगापुर, थाईलैंड, यहाँ सब वो फ्लाई करती हैं. तो ज़्यादा डेस्टिनेशंस नहीं मिल पा रही थी. डेस्टिनेशंस का मतलब ये है मेरा कि लेवर्स नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए आई थॉट कि यार स्विच कर लेते हैं. बिकॉज एयर इंडिया, एज वी ऑल नो, जितना इंडिगो डोमेस्टिक फ्लाई करता है उतना एयर इंडिया इंटरनेशनल जाता है. तो इट वॉज़ अ फार बेटर चॉइस फॉर मी. तो इसलिए फिर आई वॉज लाइक कि चलो स्विच कर लेते हैं. एंड दिस इज़ द सोल रीज़न दैट वाई आई हैव स्विच्ड. और ऐसा कुछ नहीं कि इंडिगो ख़राब है या इंडिगो बेकार है या कुछ भी, इंडिगो बहुत अच्छी है. आई मिस इंडिगो. अगर आज भी कोई मुझसे पूछता है कि वॉट इज़ बेटर, एयर इंडिया या इंडिगो, तो मैं कन्फ्यूज रहूँगी कि मैं क्या बोल लूँ. बिकॉज अपने अपने इमोशंस जुड़े हुए हैं ना. एंड एट द सेम टाइम आई एम ग्रेटफुल कि यू नो आई हैव बिकम अ पार्ट ऑफ एयर इंडिया. हाँ, मैंने एयर इंडिया ज्वाइन कर लिया है. यस, दिस इज अदर लाइफ अपडेट दैट आई हैव ज्वाइंड एयर इंडिया. एंड मैंने इंडिगो में रेजिग्नेशन दे दिया था 7 अप्रैल को, और एक महीने का नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद आई लेफ्ट इंडिगो ऑन 7 मे ऑफिशियली. देन 18 मे को मैंने ज्वाइन कर लिया था एयर इंडिया. डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो गए थे एंड देन लास्ट वीक को, दैट इज़ अक्टूबर के लास्ट में, नहीं अक्टूबर तो चल रहा है, सेप्टेम्बर के लास्ट में हमारी जो ट्रेनिंग है वो खत्म हुई. 4.5 मंथ्स की हमारी ट्रेनिंग चली. एंड लास्ट में हमें बेस पता चल गया, मेरा बेस है दिल्ली. एंड आई गॉट बोइंग 777 एयरक्राफ्ट विच पर्टिकुलरली फ्लाइज टू यू एस एंड कैनेडा. तो येस, इन फ्यूचर आई विल बी फ्लाइंग टू यू एस एंड कैनेडा. लेट्स सी कब जाते हैं. अभी तो आई एम वेटिंग फॉर माई फैम फ्लाइट्स. सो आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस ऑफ फैम फ्लाइट्स एंड हाउ इज थिंग्स देयर एट एयर इंडिया एंड वॉट इज द डिफरेंस दैट आई एम फीलिंग बिटवीन एयर इंडिया एंड इंडिगो. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. जितने भी अभी लाइफ अपडेट्स थे वो मैंने सब आपको दे दिए हैं. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन दिस वन थिंग दैट इंडिगो, यू नो, मैंने अचानक से ही छोड़ा था, तो मैंने काफ़ी सारी शॉर्ट्स के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करके रखी हुई थी जो मैंने अब तक पोस्ट नहीं करी हैं. सो आई विल बी पोस्टिंग देम नाउ. एंड वो थोड़ी सर्दियों की भी हैं, तो इट जस्ट यू नो फॉर क्लेरिफिकेशन दैट आई एम पोस्टिंग दोज वीडियोज और शॉर्ट्स इवन आफ्टर आई हैव लेफ्ट इंडिगो. एंड या, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टू मैंशन इट इन द कमेंट सेक्शन इफ पॉसिबल. आई रिप्लाई यू देन एंड देयर, एल्स आई कैन मेक अ वीडियो इफ रिक्वायर्ड. And yeah, that's it. Thank you for watching. Stay tuned for more. And I promise I'm going to be active on my channel after this. And yes, do not forget to like, share, subscribe my channel. Thank you. Bye bye.